बेगूसराय में वर्चस्व और रंगदारी को लेकर बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक की है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के कुछ बदमाश मोहल्ले में दबदबा कायम करने के लिए लगातार हो हंगामा करते रहते हैं। बीते शाम भी बाइक पर इन सभी उचक्के ने मोहल्ले में खूब हंगामा किया था और आज सवेरे एक स्थानीय पानी प्लांट दुकानदार बबलू से 50 लाख की रंगदारी मांगी। इसी क्रम में बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोलीबारी की। आज की घटना तो गोली की है। कल वो लड़का इतना हाई स्पीड में इस ग्रामीण रोड पर गाड़ी चलाता है, हमारे दुकान में एक तगादा वाला आया, तगादा वाला गाड़ी को धक्का मार दिया। उधर से रिटर्न होने में एक बगल के दुकानदार से एक ग्राहक सामान ले रहा था, अगर वो थोड़ा सा नहीं चढ़ता तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता। वो अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, इसलिए प्रशासन से मांग है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतना ही निवेदन। आज जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक सारा गामा पा के मालिक है बबलू जी, उनसे 50 लाख की रंगदारी और नहीं देने पर कहा गोली से मार देंगे और गोली चला भी दिया। संजोग हुआ गोली लगा नहीं। हमला रंगदारी का है मनबरू अपना वर्चस्व बनाने के लिए मोहल्ला में किसी को कुछ करने नहीं देता है, कोई करता है उसको मारपीट करता है, उसके साथ दारू बेचता है, दारू भी माफिया है, दारू भी माफिया है। अगर हम लोग सतर्क अभी नहीं रहेंगे, अभी प्रशासन पुलिस छोड़ देगा तो कल के डेट में हम लोग के घर में घुस घुस कर सबको गोली मार देगा। 3 गोली चला है जिसमें 2 खोखा मिला है, 1 खोखा उसका।